नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme C11 versus Infinix Hot 11 2022 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Realme C11 में 6.47 इंच जबकि Hot 11 2022 में 6.56 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Realme C11 में 2.99 इंच जबकि Hot 11 2022 में 3.02 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Realme C11 में 196 ग्राम्स जबकि Hot 11 2022 में 195 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Realme C11 में 6.52 इंचेस जबकि Hot 11 2022 में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Realme C11 में 720x1600 और Hot 11 2022 में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Realme C11 में 82.25% जबकि Hot 11 2022 में 84.88% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Realme C11 में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Hot 11 2022 में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Realme C11 में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Hot 11 2022 की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Realme C11 में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Hot 11 2022 की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Realme C11 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Hot 11 2022 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Realme C11 में पावर GE8320 जबकि Hot 11 2022 में Mali G52MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Realme C11 में MediaTek Helio G35 और Hot 11 2022 में Unisoc T610 मिलता है। बात करें RAM की तो Realme C11 में 2GB जबकि Hot 11 2022 में 4GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Realme C11 में 32GB जबकि Hot 11 2022 में 64GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Realme C11 में अप टू 256GB जबकि Hot 11 2022 में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Realme C11 में Android V10 Q जबकि Hot 11 2022 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Realme C11 में 2 कलर्स जबकि Hot 11 2022 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Realme C11 2GB RAM 32GB स्टोरेज के साथ 7499 रुपीस में मिल जाता है और बात करें Hot 11 2022 की तो वो 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 8999 रुपीस में मिलता है।
दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Realme C11 में 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Infinix Hot 11 2022 की तो उसमें 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में हॉट 11 2022 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 9 Prime है, दूसरा Oppo A53 2020 है, तीसरा Xiaomi Max है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Nokia 3.4 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।